धोखा एक इंसानी स्वभाव है। इंसान जैसे हंसता गाता खाता पीता है उसी तरह धोखा भी देता है, मगर धोखेबाज लोगों से किस तरह के सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, किस तरह से उन्हें उनके धोखे के सार्वजनिक होने के बाद बेइज्जत होना पड़ता है, ये भी आपको पता होगा। पिछले कुछ दिनों से भाजपा अपने कई शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को झटका दे रही है, धोखा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, धोखा दे रही है, उन्हें सम्मान और बराबर का हिस्सा नहीं दे रही है। इस वजह से एनडीए के कई घटक दल भी ये कहते हुए कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है एनडीए से बाहर हो गए। पहले जीतन राम मांझी, फिर रालोसपा कुशवाहा के साथ बाहर हो गई, अब रालोसपा महागठबंधन में है। जीतन राम मांझी पहले से ही महागठबंधन में है। उन दोनों को जितनी भी सीटें मिलेंगी सम्मान के तहत उन्हें मंजूर है, मगर भाजपा का क्या होगा? भाजपा के कई नेता भाजपा से ही बागी चल रहे हैं, जहां पहले से ही रूढ़ी शत्रुघ्न सिन्हा और दरभंगा से कीर्ति आजाद इस पार्टी से बागी चल रहे हैं, वहीं अब नया नाम इस बागियों में जुड़ गया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। जी हां, भाजपा के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह अब बागी हो गए हैं, कम से कम उनके बयान तो ऐसा कह रहे हैं। हालांकि पार्टी ने ना तो अभी तक ऐसा कोई बयान दिया है, ना ही गिरिराज सिंह ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया है, मगर गिरिराज सिंह के कुछ दिनों के बयान के पैटर्न को देखा जाए तो एक बात स्पष्ट हो रहा है कि गिरिराज सिंह भाजपा से अब मोह तोड़ चुके हैं, खासतौर पर तब जब इतना कुछ अपनी पार्टी के लिए उन्होंने किया और उस पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। बदले में पार्टी ने उन्हें जो दिया है वो ये है कि लोजपा अब नवादा से लड़ेगी, यानी नवादा की जो सीट थी जिसपे वो सांसद थे वो अब लोजपा के पाले में चली गई है। नवादा की सीट पर पेच फंसा हुआ था, नवादा की सीट पर लगातार लोजपा की दावेदारी थी। अमित शाह ने अपनी चाणक्य बुद्धि दिखाते हुए एक कहा जाता है कि जब छिपकली कहीं फंस जाती है तो अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है, इसी तरह से नवादा की सीट की कुर्बानी गिरिराज सिंह के साथ साथ दे दी है भाजपा ने। अब एलजेपी के साथ गठबंधन तो हो गया, नीतीश जी भी गठबंधन में है, मगर नवादा की सीट से अगर नहीं लड़ेंगे गिरिराज सिंह तो कहां से लड़ेंगे? ऑफ द कैमरा गिरिराज सिंह ने बात करते हुए कहा कि पहले भी वो बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे मगर पार्टी ने उन्हें बेगूसराय से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें नवादा से सीट लेकर चुनाव लड़ना पड़ा और वहां से भी वो जीत कर आए और एक सम्मानजनक सीट लेकर अपने केंद्रीय मंत्री की दावेदारी भी पेश की। नरेंद्र मोदी के कोर सिपाही गिरिराज सिंह ने पिछले कई सालों में लगातार भाजपा को बिहार में मजबूत किया है, भले ही वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर ही हो, बिहार में किसी भी जगह पर, चाहे वो जब भाजपा विपक्ष में थी या फिर सरकार में रही हो, अगर कहीं भी सांप्रदायिक झड़प हुए हैं तो गिरिराज सिंह वहां जरूर पहुंचे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक गिरिराज सिंह अब आगे की रणनीति क्या होगी ये ऑफ द कैमरा बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने बताया है पत्रकारों से बात करने के दौरान कि वो अब बेगूसराय से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, हालांकि पार्टी उन्हें बेगूसराय से ही टिकट देना चाहती है। नवादा की सीट लोजपा के लिए छोड़ने के बाद गिरिराज सिंह के मन में कसक रह गई। गिरिराज सिंह ने क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किया है और आगे भी करना चाहते थे, क्षेत्र की जनता से उनका प्यार बढ़ गया है, इसके बावजूद उन्हें किसी न किसी तरीके से पार्टी अपमानित कर रही है, इसके चलते वो अब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से भी संन्यास लेना चाहते हैं। ऑफ द कैमरा गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि वो अब पार्टी के लिए जितना करना तक कर चुके, अब उनका इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से, चुनावी राजनीति से मन भर गया है और आने वाले समय में वो पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहते हैं। उन्हें चुनाव ना लड़ना है, ना जीतना है, ना ही उन्हें अब मंत्री पद का लाभ है। जो काम वो करना चाहते थे अपने क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कर दिया है, जो काम पार्टी के लिए करना चाहते थे वो भी कर दिया, अब पार्टी उन्हें धोखा दे या फिर मौका दे ये पार्टी के हाथ में है। अब धोखे से याद आया, आप लोग भी न्यूज़ बिहार की खबरों को देखते रहिए और अपने आसपास के धोखेबाजों को थोड़ा दूर रखिए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।